गुड मॉर्निंग गाइस, आज सुबह स्टार्ट हो गया है। गुड मॉर्निंग वॉक बडी की, बडी इज वेरी हैप्पी टुडे। मैं भी आया हूँ। हेलो बडी, है बडी, इज दैट ट्रू? सो दिस इज द क्लाइमेट इन चंडीगढ़। बडी आ जा। नहीं, नो बडी, क्या आप देख सकते हैं सिर पे क्यूट सा। ने कुछ भी स्क्रबिंग नहीं करना है आपके फेस में, क्योंकि स्क्रब कर। सो गाइस, दीदी आज मेरा फेशियल कर रही है। है तो रक्षाबंधन, में दीदी सोच रही है कि तभी गिफ्ट मिलेगा अच्छा सा। फेस केयर, नॉट फेशियल। नंदनी करती है फेशियल मेरा, दीदी करती है मेरा फेस केयर, मम्मी रहेगी और मेरा फेस दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है। जब से लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मेरे फेस पे, और जब मम्मी करेंगे ना तब ठीक होगा ना। मैं करूंगी गाय के गोबर से। अभी ये है, अभी दही लगा रहे ठंडक के लिए। दीदी आए हैं ससुराल से। दीदी का देखिए खुशखबरी, हाथ का जो प्लास्टर था वो उतर गया है। सो एंजॉयिंग माय रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल। एंड देखिए मुझे ला रही है बड़ी भी, मेरा दूसरा भाई यहाँ पर लेटा हुआ है। हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल। ये क्या दी? ये हमने क्यूकुम्बर कद्दूकस किया है, जिससे आपके फेस पे ठंडक पड़ेगी। हमने जो भी प्रोडक्ट लगाए हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट्स लगाए हैं आपको, हल्दी जैसे, मुल्तानी मिट्टी, दही, ठीक है, और क्या लगाया था मुझे याद दिलाओ, एलोवेरा, ठीक है, ये सब नीम, नीम का रस भी हमने स्पेशली नीम के एवेंजर के हीरो जैसे लग रहे पत्ते हमने फूट के उसका रस निकाल के बनाया था। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ, यहाँ पे इतना नीडेड है नहीं, तो मैं ठंडा ठंडा इसमें रहेगा इसलिए इसको थोड़ा सा ऐसे रख रही हूँ। लगा रहे हैं, इसका रस भी जो खीरे का रस होता है वो भी अच्छा होता है स्किन के लिए, आपकी स्किन को साफ करता है। तो उसका रस भी आपकी स्किन में जा रहा है और ठंडा भी हो रहा है। रक्षाबंधन डे एंड सुबह के बज रहे हैं 5:30 एंड अभी अब हम जल्दी से उठ गए हैं क्योंकि पॉइंट इज रक्षाबंधन है सुबह सुबह का। एंड अब हम जल्दी से रेडी होंगे, उसके बाद जो भी बच्चे हुए हैं लोग जिन मतलब भाई वगैरह उनकी राखी ख़त्म करेंगे और फिर सो जाएंगे, क्योंकि इतनी सुबह सुबह वाली राखी ना फर्स्ट टाइम देखी मैंने और हजम सी नहीं होती। सदिन 6 बज गए हैं और 6:30 तक 6:30 तक 7 बजे तक का ये मुहूर्त है। चल तो अभी हम हो चुके हैं रेडी, रेडी पूरी तरह तो नहीं हुए हैं, सचिन उठ नहीं रहा है, आपने देखा होगा 6 बज चुके हैं। एंड ऐसा हिमाचलियों का मानना था कि 7 बजे तक का मुहूर्त है, तो उस हिसाब से 7 बजे से पहले पहले जो भी राखी करना चाहता है कर लो। हमने भी अभी किया है एंड मेरे को जहाँ तक पता है शुभम ने भी अभी करनी है, की नहीं है हमने भी मतलब करनी है, तो उसने भी अभी करनी है। मैं पहले उठ गई थी, अभी उसका मैसेज आया था कि हाँ मैं भी उठ गया, जल्दी से अभी नहाऊंगा धोऊंगा, राखी करनी है। ये पता नहीं इस बार की राखी किस किस को समझ नहीं आई, मुझे तो लिटरली नहीं आई किस दिन राखी है, कुछ नहीं समझ आया, सब उल्ट पुलट ही चल रहा है। 6 बज गए, जल्दी से रेडी होते हैं और सचिन को उठाते हैं क्योंकि सचिन उठ नहीं रहा है, और फिर उसके बाद सो जाएंगे स्टेडियम।
तो हम आ चुके हैं रेडी एंड यहाँ पर चल रहा है कृष्ण नाम का जाप, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है एंड ऐसा तो नहीं हो सकता कि भगवान का नाम ना लिया जाए। एंड कान्हा जी को मम्मी रेडी कर रहे हैं और जल्दी से अभी हम थोड़े जोश में आएंगे डांस करेंगे। और यहाँ पे हो रही है कान्हा जी की छोटी सी प्यारी सी राखी, क्यूटी। सुबह सुबह रेडी करती है मम्मी जी ने भी। राधे 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 जी श्री भांग बिहारी, राधे राधे जी राधे राधे। दोनों प्लेट साइड ये कान्हा जी उतरे रहे तो ठीक है। राधे 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 कान्हा जी की सुंदर वाली राखी है ये राखी। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, बहुत लोग आएंगे क्वेश्चन करने कि पापा ने क्यों बनाई, पापा के लिए तो वो छोटे से बच्चे हैं, लेकिन द रीज़न इज़ मैं नहीं पहना सकती हूँ तो पापा ने पहनाई है। एंड इसमें कोई बेकार चीज़ नहीं है कि हाँ अब बच्चे नहीं पहना सकते, अगर कोई नहीं पहना सकता तो उसकी जगह आप पहना सकते हो, तो इसलिए पापा ने पहनाई है, वरना मम्मा पहनाते क्योंकि मैं नहीं हाथ लगा सकती हूँ। Welcome back to our vlog. आज हो गया है रक्षाबंधन का है सुबह का दिन, मतलब अभी सुबह हम मना रहे हैं एक्चुअली। इस बार तो रक्षाबंधन का टाइम ही बहुत अलग था, तो अभी हम सुबह सुबह सवेले में मना रहे हैं। Let's go. तो अब राइट नाउ हम मैं पहनाऊंगी बुआ की राखी पापा को, क्योंकि मोस्टली अब कुछ टाइम से यही हो रहा है कि बुआ की राखी मुझे बनानी पड़ती है, क्योंकि बुआ रहते हैं हिमाचल और हम लोग हिमाचल जाते भी हैं तो उस ओकेजन पे नहीं जा पाते। So guys, अब पड़ी की बारी है। सुबह ये खूब झगड़ते साथ फिर खाना खाए, डांट जो एक को पड़ती देख दो जा मुस्कान। सुबह ये खूब झगड़ते साथ फिर खाना खाए, डांट जो एक को पड़ती देख दो जा मुस्कान। भाई ओ भाई ताकत है तू मेरी जानो आदत सारी तेरी, भाई ताकत है तू मेरी। बड़ी बॉन्स पहले प्रिपेयर था अपनी दीदी के लिए गिफ्ट रखा हुआ इसने, और मतलब सब कुछ था इसके पहले से अरेंज था बड़ी का, तो बड़ी मुझे बोला था कि दीदी के लिए गिफ्ट लिया। मैं एक्चुअली मैंने अभी तक मैंने गिफ्ट नहीं दिया, मैं बड़ी का गिफ्ट चाहिए था, मैं बड़ी गिफ्ट दो, लो दीदी को गिफ्ट दो। ओ भाई ताकत
है मेरा जहां।